तो भाभी मैं पूछ रहा था जैसे आपसे, तो दोबारा पूछ रहा था, तो आज आप टीवी में आए हो पहली बार, तो आपको कैसी फीलिंग आ रही? सही सही बताना, ये नहीं कि हाली वाली नहीं बातें सीरियसली हैं। नहीं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो इस समय ना शाम के बज चुके हैं 3:10 हो रहे पता, और मैं अपना ब्लॉग इस समय स्टार्ट कर रही हूँ। और मौसम आप देख सकते हैं, बारिश हो रही, इतनी बड़ी बड़ी बूंदे गिर रही है, बिजली कड़क रही है, गड़गड़ाहट हो रही है। और यहाँ पे देखिए क्रिकेट मैच भी चल रहा है बड़े मज़ेदार सा। और मैं आई हूँ, अपना चश्मा लेने गई थी अभी यहाँ पे ऊपर ना शंकर ऑप्टिकल्स में, तो चश्मा लेके वापस आ रही हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ यहाँ पे जो मैच चल रहा है, और बारिश होने वाली, मुझे लगा मैं भीग जाऊँगी दुकान पहुँचने तक, तो मैं जल्दी जल्दी दुकान की तरफ भी निकल लेती हूँ, और साथ में थोड़ा सा व्यू भी आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ से, ठीक है? ओके, तो ये देखिए मौसम का मिजाज कुछ इस तरह का है, तेज़ बारिश होने वाली है, और मेरे पे इतनी बड़ी बड़ी बूंदे गिर रही है बारिश की, तो मैं गीली हो सकती हूँ। तो मैच चल रहे, देखिए क्रिकेट मैच चल रहे हैं यहाँ पे ये फील्ड में, और ये बिल्कुल अंधेरा मौसम, ओ बारिश होएगी और मैं भीगती हूँ अब देखना। तो मेरी जैकेट ना सूखनी भी नहीं है, भीगूंगी ना मैं तो। यहाँ पे मस्जिद के पास हूँ और गाड़ियों की टीपी लगी हुई है काफ़ी ज़्यादा, तो ये भीड़ यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, और ये बैरिकेटिंग करी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसे मैं जा रही हूँ पार्किंग की तरफ, ये वाली रोड जाती कारण की तरफ यहाँ से। तो चले हम निकलते हैं पार्किंग की तरफ और बचते हैं भीगने से थोड़ा जल्दी जल्दी जाके। तो चलते हुए कैमरा थोड़ा सा हिल जाता है, कोशिश तो कर रही हूँ कि ना हिले। तो चले मिलती हूँ मैं शॉप पे जाके, दौड़ते हुए जाती हूँ। हाँ यार, वीडियो स्टार्ट हो रही है। हेलो, अब बोलो तो ना कर, अब बोलो। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो भाभी देखो बहुत दिनों के बाद मिली है मुझे आज, और हम दोनों फिर से निकल पड़े ठंडी रोड पे, और हम लोग जा रहे हैं कुछ काम से। आज वॉक के साथ साथ काम भी होने वाला है हमारा आज। हम बहुत तेज है काम करने, तो हम लोग पता है कल हमारी पूजा है एक। भाभी काय का पूजा बताओ तो? कल हमारी है चूल्हा पूजा, थप पूजा। तो मैंने स्टोरी सुनाऊंगी कल को, आमा से पूछूंगी, हमारे आमा को स्टोरी कम ही पता होती थोड़ी। तो उसकी पूजा है कल को, तो उसके लिए ना हम लोग जंगल से पत्ते वत्ते जो होते हैं वो सब टिप के ले जाते हैं, फिर उससे सजाते हैं चूल्हे को अच्छे से साफ वाफ करके धो हो के, फिर उसके बाद पूजा करते हैं। तो चलिए उसी के लिए हम जो पत्ते टिप रहे हैं तो वो लेके जाएंगे, और मैं कल को फिर आप लोगों को सारे पत्ते दिखाऊंगी। आप तैयारी कर चुकी है काफी ज्यादा बात, भाभी ने सारी तैयारियां कर ली, मैंने अभी कुछ भी नहीं करा है, तो मेरा तो आमा कर लेती है सारा कुछ। तो चले अभी मिलते हैं आगे, बाय बाय। ये सब चांगना। तो फ्रेंड्स ये देखिए जो खूबसूरत सा ग्लास हाउस यहाँ पे बना हुआ है ना ठंडी रोड पे, मैंने आप लोगों को पहले भी एक ब्लॉग में दिखाया था, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा ग्लास हाउस। और जब मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने इसका वीडियो बनाया था, लेकिन मैंने देखा ये देखिए यहाँ पे क्या कर रखा है लोगों ने, ये बताइए क्या है ये? मतलब यहाँ पे कोई भी जगह हमको नीट एंड क्लीन अच्छी नहीं लगती है शायद हमारे लोगों को, या हम लोगों को शायद, हम लोग इस तरह की हमारी प्रवृत्ति हो गई है कि हम हर जगह गंदगी जरूर करें। तो ये देखिए क्या है, पता नहीं ये क्या जला रखा है इसमें, तो यहाँ पे ऐसा करके फेंक कर रखा है इन्होंने जो भी रखा है, तो उसको उठा के फेंक देना चाहिए था, इस तरह से यहाँ पे नहीं रखना चाहिए था। तो स्पेशली मैं इसलिए बना रही हूँ, तो सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता, कहीं पे भी कोई अच्छी चीज़ बन जाती है, नई चीज़ बन जाती है, तो लोग उसको गंदा करने पे तुले रह जाते हैं फिर। तो चलिए मैं वॉक पे आई हूँ, और वॉक पे आके भी मैं ऐसे से काम कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स भाभी गई देखिए ये तोड़ने के लिए पत्ते ना ऊपर से, ये कल की पूजा के लिए हमको बहुत चाहिए होते हैं ये, तो बिल्कुल लेक साइड से हम लोग नहीं लेते हैं, तो लेक से थोड़ा सा ऊपर को जाके रोड के उस ऊपर से ले रहे हैं हम लोग। हाँ जी हाँ, बांस वही, ये तो आप क्या तोड़ रहे हो, ये वाला जो है बांस, तो ये नहीं वही है, ये लंबी पत्ती वाला, ये क्या तोड़ रहे हो यार? अच्छा बांज का पेड़ जो होता है वो तो बहुत बड़ा पेड़ होता है यार। तो भाभी यहाँ से तोड़ रही है पत्ते जो जो चाहिए, अब वापिस कैसे आओगी? सीधे छलांग मारूंगी क्या नीचे? तो यहाँ पे देखिए जंगल में चढ़ा दिया भाभी को हमने ऊपर, नजर भी नहीं आ रही है कहाँ घुस गई पता नहीं ऊपर ऊपर को, तो क्योंकि मेरे तो बस की नहीं होती है चढ़ना ऐसे, तो निकाल रही है भाभी पत्ते वत्ते। तो फ्रेंड्स मैं मॉल रोड पे वॉक पे जा रही थी, और सामने से मुझे मिले हैं खुर्शीद भाई, पिंकीज फैमिली ब्लॉग बोलो ना पूरा यार, नाम तो पूरा ले लो, पिंकीज फैमिली ब्लॉग, पर्सनल टॉक्स चल रही है आई थिंक। अच्छा चलो कल करता हूं। चलिए और बताएं कैसे हैं आप? बढ़िया, क्या चल रहा है आज दिन में? भैया भी देते, मैं उनसे पूछा था भाभी का है, भाभी आगे क्या, उन्होंने बताया आगे 2 दिन का है जी, उन्होंने बताया था मुझे, बताया था हाँ। अरे तो चले मैं बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स ये देखिए खूबसूरत सा नैनीताल, और बारिश ना होती जा रही है, फिर रुक रुक के थोड़ी सी बूंदाबांदी टाइप की बारिश हो रही है। और आज देखिए ठंडी रोड पे भी लोग दिख रहे हैं, काफी कलरफुल से लोग नजर आ रहे हैं, देखिए बहुत अच्छा सा लग रहा है। माता रानी के मंदिर के पास ही हुआ है, पाषाण देवी पे, ये देखिए कितनी सारी बोट्स है लेक में, और ये देखिए आसमान में बादल और खूबसूरत नैनीताल, लेक, बोट, ठंडी रोड और नैनीताल, और उस ठंडी रोड पे मैं, ये क्या था पता नहीं मैंने क्या क्या बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने फिर मोबाइल को ऐसे वैसे किया तो देखा तो मोबाइल चल रहा था, तो चलिए कुछ भी बोला और सब ठीक ही बोला होगा। तो चलिए मैं चलती हूँ नीचे, रोड में कीचड़ भी टाइप का हो रहा काफ़ी सारा, दिखाना ही भूल गई, देखिए मैंने जो घास फूस उठाए थे ना वो, तो अभी एक घास फूस और उठाना है आगे से, तो हम लोग तोड़ नहीं पाएंगे, चढ़ नहीं पाएंगे ऊपर, तो सोचे किसी को बुला लेते उसको तोड़ने के लिए,
तो चलिए देखते किसको बुलाएंगे अभी। तो कल की पूजा के लिए कल के व्लॉग को भी जरूर देखिएगा, आज का व्लॉग तो आप देख रहे हैं तो कल का भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स वॉक से और वो पत्ते वत्ते तोड़ के मैं आ चुकी हूँ मार्केट में वापस, और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का माहौल है। ऊपर ऊपर थोड़ी सी धूप लग रही है, हमारी साइड को धूप लगी हुई है और यहाँ पे तो ठंड है काफ़ी ज़्यादा। सुबह शाम यार बड़ी भयंकर वाली ठंड हो रही है, और मेरे को ना थोड़ा सा कोल्ड हुआ है जो कि शाम होते होते मेरे सर पे चढ़ जाता है, इस तरह का हो रहा है। सुबह के समय जब मैं उठती हूँ तो फ्रेश फ्रेश से होती हूँ, फिर शाम शाम होते होते वो कोल्ड जो ना ठंड सी लगती है, पता नहीं थकन सी हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह का है मार्केट का हाल। ये जो तिरपाल ऐसा लगा सर नीला आसमान है, बट ये नीला आसमान नहीं है, तिरपाल लगा हुआ है यहाँ पे। और ये नए डस्टबिन जो मेरी दुकान के ठीक सामने लगा दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स अदिति खुराना ब्लॉग्स एंड अमित शाह ब्लॉग्स आ चुके हैं, तो अदिति शॉपिंग के मूड में नजर आ रही है बहुत ज्यादा। हाँ, सब मैं पहनूंगी। पहन सकती हो? ऐसा जितने आए हैं, ऐसा क्या है, पहन देना। हाँ। तो बताइए आज हम लोग सब टीवी पे आए हैं तो कैसा लगा आप सबको? थैंक यू। हाँ तो मैं फर्स्ट टाइम टीवी पे आई हूँ। किस पे? कौन सी चैनल पे? नहीं मुझे अच्छा लगा, कौन न्यूज 18 में आए हैं हम लोग। हाँ। तो मेरा फर्स्ट टाइम था, इन लोगों ने मुझे नहाते नहाते इतनी हड़बड़ी में फोन करके बुलाया। इतनी हड़बड़ी में मैं आई। और कैसा लगा भाभी आपको? नहीं अच्छा लगा, पर मतलब फीलिंग अच्छी है, मगर मैं क्या बताती हूँ, मैं फिर से वही बताना चाहूंगी मैं क्या चाहती हूँ, घमंड नहीं करती मैं अच्छा अपनी तरफ। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम लोग अभी मजाक में बता रहे थे कि हम लोग न्यूज चैनल किस उत्तराखंड अभी, अभी, अभी इतना सीरियस हो गई है ना कि मुझे हंसी आ रही है। अभी सीरियस हो गए हैं अभी तक तो मैं ना हाँ मजाक शूट कर रहे थे वो पता क्या हुआ ऑन नहीं हुआ उसमें, अभी हम फनी वाला जो था ना हमारा पार्ट वो शूट नहीं हो पाया, तो फिर से मैं वापस। तो भाभी मैं पूछ रहा था जैसे आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ, आज आप टीवी में आए हो पहली बार तो आपको कैसी फीलिंग आ रही है? सही बताना, ये नहीं कि हाली वाली बातें हैं। नहीं अच्छा लगा यार, डेफिनेटली अच्छा लगता है, अच्छा लगेगा। टीवी में कौन न्यूज में कौन नहीं आना चाहेगा, मगर उससे भी ज्यादा जो कि मैं हमेशा बताती हूँ वो सीरियसली बात है। अगर हम ऐसे भाई न्यूज में ही थोड़ी ना सबके दिनों में खाली ऐसे चले गए उठ के खाली, अगर आप लोगों को प्यार मिलता रहे तो हम बड़े बड़े न्यूज चैनल आज तक वगैरह में आएंगे ना। तो आप लोगों के साथ के आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है सबसे ज्यादा, है ना। तो आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? बस हम भी ये कहना चाहेंगे कि जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्यार बना के रखे, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो आपको बहुत बहुत मैं बधाई दूंगा। शुक्रिया। तो हम लोग हम सभी को आपको ये लोग तो खैर आते रहते हैं, सेलिब्रिटीज चाहिए तो खैर नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसे ही आप तरक्की करते रहो। शुक्रिया, बाय बाय। पता नहीं तो फ्रेंड्स ये सारे एक से टोपी वाले लोग कुछ कर रहे थे अभी, जैसे ही मैं वीडियो बनाने लगी वैसे ही ये लोग चले गए, और मेरा कैमरा ना हिलता बहुत है तो मैं लेने वाली हूँ वो क्या लेना था वो पॉकेट ऑस्मो है सेलिब्रिटीज जो कि सेलिब्रिटीज। वाह कैसा लग रहा है आपको टीवी में आके? गूज बम्स आ गए। नॉर्मल हो? सब ठीक ही हो ना? सब ठीक हो ना? तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे स्टेट बैंक में ना। स्टेट बैंक पे पता क्या होता है, यहाँ पे ना हम लोग को टैक्सी बाइक्स मिल जाती है यहाँ से, जैसे आप लोगों को तल्लीताल जाना हो, सुखनिवास जाना हो, या चाटन लॉज जाना हो, कहीं भी जाना हो तो आप यहाँ से टैक्सी बाइक्स ले सकते हैं। तो ये बड़ा कन्वीनियंट हो गया अभी हम लोगों के लिए ना यहाँ पे, दो चार सालों से जो टैक्सी बाइक्स चल पड़ी है तो बहुत ही बढ़िया सा हो गया। अच्छा ये देखिए नगर पालिका के टावर पे जो वॉच वाली सामने से अच्छी लग रही थी, पर मैं शूट नहीं करा, आपने बताया था अच्छी लग रही है, मैंने शूट नहीं करा था, मगर तो वही मैं बोल रही यहाँ से टैक्सी बाइक्स मिल जाएगी। कहीं भी जाना हो आपको मतलब रीजनेबल प्राइस है और कन्वीनियंट है सबसे ज्यादा, तो बस ये क्योंकि हम टैक्सी बड़ी लेके जा नहीं सकते। हाँ जहाँ पे हम टैक्सी लेके नहीं जा सकते वहाँ भी बाइक लेके हम आराम से जा सकते हैं, वो हम आपकी बाइक से भी जा सकते तीनों लोग बैठ के। मैं और अदिति अक्सर यहाँ से लेते हैं, पर मैं तो खैर मार्केट में भी मंगवा देती हूँ, आप जहाँ चाहे वहाँ पे भी मंगवा सकते हैं अगर आपके पास नंबर अवेलेबल है तो, है ना। तो हम लोग अब जा रहे हैं कहाँ पे? पाजी की दुकान पे। पाजी तो पंजाबी हुए, सॉरी बाजी की दुकान पे जा रहे चाय पीने, तो चलिए वहाँ पे मिलते हैं। आज मैं आपको मिलाती हूँ, वहाँ पे भी कोई होंगे शायद, कोई ना कोई तो होगा ही, कोई ना कोई तो मिलेगा ही वहाँ पे, बिना कोई ना कोई की तो कभी होती नहीं वो दुकान। गाड़ी वाले मार सकते हैं, कोई नहीं। तो हम पहुंच चुके हैं बाजार में, और अदिति की दवाइयाँ जो कि अदिति को कहीं पे भी नहीं मिल रही, पता नहीं ऐसी कैसी दवाई और किस चीज की दवाई है तो नहीं मिल रही है। ब्लॉगिंग स्टार्ट हर कहीं,
तो देखिए अनमोलू भी आ चुके हैं हमारे साथ, नहीं मिल रहे हो कहीं पे भी नहीं है। तो बाजार में हम लोग बीच बाजार में शूट कर रही हूँ मैं, तो क्या करें वीडियो को एंड कर दें क्या सब साथ में मिलके? क्या खा रहे हैं चुपके चुपके? ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो मुंह देखो मुंह देखो इनका मुंह देखो जरा इनका कैसे खा रहे। हाँ तो चले चले आगे की तरफ आ जाओ, अभी सब लोग वीडियो को एंड करते हैं, सभी लोग यहाँ पे मिलके साथ में। कैमरा टर्न कर लेती हूँ और ऑन करना नहीं भूलती हूँ पहले। तो फ्रेंड्स हम लोग सभी पहुँच चुके हैं यहाँ पे मार्केट, मार्केट में नहीं बड़ा बाजार में। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं यार। नौ बजने वाले हैं भाभी, डिनर करवाना है, हमारा डिनर ड्यू है यहाँ पे। आज करा लो, तो हम लोग मस्ती वस्ती करते हुए आ रहे हैं चाय वाय की, तो मुझे लगा मेरे हस्बैंड मुझसे पहले घर पहुंच जाएंगे तो जो कि अक्सर होता ही है। तो चले कोई नहीं, तो चलिए फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है उसका करते हैं आत्मा, और कल को मिलेंगे नई वीडियो के साथ नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, कर लो थोड़ा ऊपर ज्यादा दिख रहा है ये लो, बाय बाय, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।